मैं मयूर शाह सो मोबाइल जीएसएम सॉल्यूशन से। आज आपको दिखा था हमारे पास किस तरह के डिस्प्ले आते हैं, कैसे रिपेयर होता है। इस डिस्प्ले की रिपेयरिंग की वीडियो में आपको आगे दिखाऊंगा। तो ये देख सकते हैं डिस्प्ले किस हिसाब से वर्क कर रहा है। ये देखिए पूरा फ्लिकर हो रहा है, रुक रहा है, फ्लिकर हो रहा है, रुक रहा है। ये देख सकते हैं ये डिस्प्ले यहाँ पे रिपेयर हो जाएगी। ये यहाँ से देखते हुए तो ऐसा लग रहा है ये वाटर डैमेज है, तो ये यहाँ पे रिपेयर हो जाएगी। आगे मैं वीडियो कंटिन्यू करता हूँ, बने रहिए वीडियो पे, मैं ये डिस्प्ले निकाल के आपको दिखाऊंगा बाद में। तो आप देख सकते हैं इसको आउट फ्रेम कर लिया है, डिस्प्ले को ग्लास निकाल लिया है, बैक साइड का गोल्डन कॉपर पेपर रहता है वो भी निकालना पड़ता है इसमें, वो भी निकाल दिया है। ये देखिए ये आधा ही ग्लू निकला हुआ है उसमें, और ये पीछे का पूरा ब्लैक प्लेन किया हुआ है। ये फ्लेक्स निकाल लिया, तो इसमें प्रॉब्लम है, हम लोग पहले चेक करते हैं किस वजह से दिक्कत आई है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे ब्लैक कुछ हुआ है जो वाटर डैमेज की वजह से होता है, ब्लैक होने के बाद जल जाता है, वो यहाँ पे जल गया ये फ्लेक्स पे। ये ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ एक बार। ये देखिए ये इसकी फ्लेक्स है, ये साइड में इस पे ब्लैक हुआ है, जल गया, इसमें पानी चला गया। यहाँ पे मैं जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है ब्लैक कलर का, तो ये खराब हो चुकी है फ्लेक्स, तो हम नई फ्लेक्स लगाएंगे इसमें। तो अभी क्लीन वगैरह कर लेते हैं एक बार, जो जहाँ पे इसकी फ्लेक्स लगेगी वो डिस्प्ले का एरिया पूरा क्लीन कर लेंगे। एक बार क्लीन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये क्लीन करके यहाँ पे मशीन में हम लोगों ने सेट कर लिया इसको, और यहाँ पे इसकी स्ट्रिप की अलाइनमेंट करेंगे फ्लेक्स की। ये फ्लेक्स की अलाइनमेंट हो चुकी है, अभी हम इसको पंच कर रहे हैं। ये पंच होगा, पंच होने के बाद मैं डायरेक्टली आपको चेक करके दिखाऊंगा। आपको स्टार्टिंग में मैंने ग्लू दिखाया था, वो सेम वही ग्लू वैसे ही इस पे दिखेगा, इसमें कोई फर्क नहीं रहेगा, आपको पता चले। इसके लिए मैंने पूरा क्लीन नहीं किया है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे पूरी स्ट्रिप इस पे फिट हो चुकी है। तो आइए टेस्ट करते हैं एक बार। तो ये देखिए J6 मॉडल है, यहाँ पे दिखा दिया है। अभी आगे मैं कस्टमर का वॉलपेपर ना दिखे इसके लिए मैं इस पे कुछ नहीं ये कर रहा हूँ, बाद में वीडियो कंटिन्यू करूंगा। ये स्ट्रिप है इसकी फ्लेक्स, तो पहले टच टेस्ट कर लेते हैं। टच टेस्ट में ये ग्लू जो नहीं निकला है उसकी वजह से यहाँ पे प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, बट ये भी पूरा टच ओके चलेगा, मैं आपको चला के दिखाऊंगा इसी वीडियो में। आपका कोई भी फोन हो आप हमें व्हाट्सएप करें, पहले फोन का मॉडल, फोन की वीडियो, फोटोज हमें भेजे, उसके बाद कुरियर कर सकते हैं आप। आपकी डिस्प्ले जो भी रहेगी वो रिपेयर करके आपको रिटर्न मिल जाएगी यहाँ से। ये देख सकते हैं अभी ये पूरा वर्किंग हो रहा है, डिस्प्ले कहीं पे भी फ्लिकर नहीं हो रहा है, ये मैंने टेस्ट कर लिया पूरा। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और आपके फोन्स डिस्प्ले जो भी कुरियर करना है तो उसका एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। थैंक यू।